यार यहाँ पर ये बच्चे मदर के साथ फिर रहे हैं और चार ही बच्चे हैं। और सैड न्यूज़ यार ये है कि मुर्गी को ना यार कम से कम 25 से 26 दिन हो चुके हैं और अंडों में कोई ही प्रोग्रेस भी नहीं है, बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है कि ऐसा करते हैं कि मुर्गी को उठाते हैं और इसके बच्चे लेते हैं और ऊपर जाके ना ऊपर केज में शिफ्ट कर देते हैं इनको, और ये जो अंडे हैं इनको तोड़ के देख लेते हैं। अगर तो कोई प्रोग्रेस हुई तो नसीब, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मुर्गी को उठाते हैं और बच्चों को उठाते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। ये मिट्ठू भी हमारा बिल्कुल ठीक है और ये भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन अभी इसको बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये बच्चे आए हुए हैं और इन्होंने मिट्ठू को बहुत ज़्यादा तंग करना है। हाँ तो वही, यहाँ पर यार मुर्गी और इसके बच्चों को ऊपर सेटअप पर लाकर छोड़ दिया है और माशाल्लाह यार बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये जो मदर है ना यार, ये बच्चों की केयर भी बहुत अच्छे से करती है, बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। एक तो ये ऊपर सेटअप पर आए हैं, जब से बच्चे निकले तब से आए ही नहीं, और दूसरा मुर्गी खुद ऊपर सेटअप पर बहुत ज़्यादा टाइम बाद ऊपर हमारे सेटअप पर आई है। और अब इनको यहाँ पर छोड़ दिया है और इनको फिर अब एक केज में शिफ्ट कर देंगे। अभी इनका केज भी देखते हैं। ये बच्चों को ना ऐसे नीचे दे देती है, इसको पता ही नहीं लगता, ये नीचे देख के चलती नहीं है, लेकिन मदर ये बहुत अच्छे से ना बच्चों की केयर भी करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो यार यहाँ पर अभी हमारी ये मुर्गी और इसका जो बच्चा है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और बाकी ये हमारा शूटर और ये वाइट वाली मुर्गी बिल्कुल ठीक है, इसने भी अंडा वगैरह दिया हुआ है। तो वो वहाँ पर पीछे उसका अंडा भी पड़ा है और इसका अंडा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है यार, बहुत बड़े बड़े इसने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। बस अभी दुआ है जल्दी से कुड़क हो जाए और इसको फिर अंडों पर बैठा देंगे। अभी इसका अंडा निकालते हैं और अभी सुबह का टाइम है ना, तो ये भी बाहर आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको नहीं निकालना क्योंकि वहाँ पर वो मुर्गी और उसके बच्चे फिर रहे हैं ना, तो ये शूटर जो है ये सीधा उस मुर्गी के पास जाएगा और ये हमने करना नहीं है क्योंकि ये जो है बस भागता है फिर मुर्गी के पीछे। अभी हम अंडे को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये अंडा हमने उठा लिया, माशाल्लाह अंडा यार बहुत प्यारा अंडा है और अंडा बहुत बड़े बड़े ने इसने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अभी तकरीबन इसके 7 या 8 अंडे हो चुके हैं भैया, बल्कि 9 या 10 हो चुके होंगे, और जब ये कुड़क हो जाएगी ना तो इसको फिर इंशाल्लाह सेवे पर बिठा देंगे। और अभी ये मदर यहाँ पर, ये जो हमारे देसी हैं, अभी ऐसा करते हैं देसियों को साथ खोल देते हैं क्योंकि ये इतना इशू नहीं करते। मुर्गी और इसके बच्चे यहाँ पर, ये मुर्गी और इसके बच्चे ये यहाँ पर फिर रहे, इनकी इतनी टेंशन नहीं है, ये यहाँ पर फिरते रहेंगे। और अभी चलते हैं अपने देसी मुर्गों को भी खोल लेते हैं सबको, और दुआ करते हैं यार वो जो एक मुर्गी जो थोड़ी सी मुझे वीक वीक लग रही थी उसको भी कुछ ना हो। बाकी ये भी माशाल्लाह ठीक है, ये वाली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी दरवाज़ा खोल देते हैं, सारे ये भी बाहर आ जाएंगे। और सुबह के टाइम तो यार ये बड़े खुशी खुशी बाहर आते हैं। माशाल्लाह यार बहुत प्यारे हैं सारे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं माशाल्लाह से। और अभी थोड़े थोड़े करके सारे बाहर आ रहे हैं। बाकी वो एक वो ही वाली मुर्गी मुझे अभी भी थोड़ी बीमार सी लग रही है और वो वहाँ पर अभी भी खड़ी है, ओ पता नहीं यार इसका क्या इशू है। बाकी हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसको मेडिसिन भी देते हैं, ये भी सारे ठीक हो जाएंगे। इनके लिए तो फीड वगैरह यार बहुत ज़्यादा पड़ी है, इनको ज़रूरत ही नहीं है फीड डालने, क्योंकि जब जब आते हैं ना इनको फीड डालते हैं और वो सारी ऐसे पड़ी रह जाती है, ये फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खाते रहते हैं। अभी चलते हैं ज़रा अपने बाकी मुर्गी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी माशाल्लाह बच्चों के साथ बहुत प्यारा फिर रही है और साथ ही साथ अपने कबूतरों को। यार वो एक कबूतर अंदर घर में गया हुआ है, क्या उसने अंडा वगैरह दे दिया होगा या वो अपना घर बना रही है? पता नहीं यार ये मेल है फीमेल है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता, कबूतरों का कुछ भी नहीं मुझे पता कि मेल कौन सा होता है फीमेल कौन सा होता है। वो ऐसे ही अपना फिर रहे हैं, बाकी ये पूरा पेयर है लेकिन इन्होंने भी कोई अंडे बच्चे नहीं दे रहे, अंडे देंगे तो बच्चे आएंगे। यार कबूतरों का ना मुझे भी इतना कुछ भी नहीं पता, बाकी जितना इन मुर्गियों का पता है और बाकी चीज़ों का पता है। और अभी चलते हैं ज़रा अपने बजीस को भी देख लेते हैं, तोतों को भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं हमारे पास और हमारे खुमरे हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं वो कैसे हैं। और यहाँ पर हमारे सारे तोते बैठे हैं और एक खुमरा ये नीचे बैठा, खुमरे का पूरा पेयर वो बैठा है वहाँ पर, ये पेयर माशाल्लाह यार बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर है। बाकी यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेयर ये भी यहाँ पर ही बैठा है और पता नहीं इसने अंडे दिए हैं कि नहीं। यार ऐसा करते हैं ये जो मुर्गी और इसके बच्चे हैं ना इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और
यहाँ से ऐसा करता हूँ मैं अभी ये जो एक इंटों की लाइन है ये निकाल देता हूँ, बाकी फिर सेटअप भी हो जाएगा और इधर फिर पानी वगैरह रख देंगे। और ये बहुत अच्छी जगह है, इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी सारी इंटें निकाल देते हैं ताकि जगह खुली हो जाए, पूरा केज इनके पास हो, ये मदर बच्चों को लेके अच्छे से फिर इधर फिर ले। बाकी तूड़ी वगैरह गिरी हुई है, अभी चलते हैं मुर्गी और इसके बच्चों को लाते हैं और इसमें छोड़ देते हैं। यार मैं ना जो चार अंडे थे उनको उठा के लेके आ गया था और अभी मैंने कहा तोड़ के देखता हूँ। तो ये एक अंडे के अंदर से बन रहा था, सारा बच्चा वगैरह बना है और इसके अंदर ये देख रहे हो, इसके अंदर ये देख रहे हो उल्ली लग गई है। सारे बच्चा बना हुआ था लेकिन उल्ली लग गई, पता नहीं क्या इशू हुआ, बच्चा बाहर ही नहीं निकल सका। और ये एक तो एग पूरा वैसे ही ख़राब है और बाकी अभी इन दोनों को भी खोल के चेक करके देखते हैं इनमें क्या प्रोग्रेस है। तो अभी ज़रा अंडे को उठाते हैं और इसको भी ज़रा चेक करके देखते हैं। यार ये जो अंडा है ना ये भी अंदर से पूरा टोटली ख़राब हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या इशू है, इनमें बच्चा बना ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। जो इनमें बच्चा बना उनमें से तो बाहर आ गया लेकिन ये अंडे टोटली ख़राब हुए पड़े हैं। यार ये अंडा भी पूरा खाली है अंदर से, अंडों में बच्चे बने ही नहीं हैं पूरा। यार इनमें बनाया लेकिन बने ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू हुआ है। और अंडे टोटली अंदर से खाली हैं, एक में सिर्फ बना हुआ है और वो भी ख़राब है, बाकी तीन में सारा पानी वो मतलब अंडे ख़राब हो गए, बने ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर मुर्गी और इसके बच्चों को इस केज में छोड़ दिया, आज से आप लोगों का ये वाला केज है और यहाँ से आप लोगों ने बाहर बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि यार ये केज बहुत बड़ा है और इनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट केज है, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना तो इनको इतना इशू नहीं है। बाकी हमारे ये देसी मुर्गियाँ भी हैं माशाल्लाह, यार काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, मुर्गे ने तो बांगे भी देना शुरू कर दी हैं। ये जो इनका केज है ना यार, असल में केज ये बहुत बड़े बड़े केज बने हुए हैं और ये मुर्गी और इसके बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब ये और बड़े हो जाएंगे ना फिर इनको बाहर आने देंगे, और देखना मुर्गी फिर से बच्चों को लेके बाहर आ गई, दो बच्चे बाहर आ गए हैं और ये भी तीसरा भी आ गया, सारे बाहर आ गए और माशाल्लाह यार बड़े बड़े हो गए। इन्होंने अच्छी खासी जगह है, ये इसको जो जंप की है एक ईंट की ऊंचाई है और इन्होंने उन्हें जंप किया और बाहर आ गए, लेकिन अभी इनको पकड़ के अंदर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आज से यही इनका घर है और इन्होंने इसी घर में ही रहना है, और जब ये बड़े और हो जाएंगे ना फिर इनको हम बाहर निकाला करेंगे। तो यार बस यही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर देना और मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।